अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। मुख्यमंत्री जी से हमारी वार्ता हुई, मुख्यमंत्री जी बोले कि पहले अपने धरने को आप खत्म करिए, उसके बाद जो है आप हमसे मिलिएगा। इस आश्वासन पर जो है आज हम अपना धरना खत्म कर रहे हैं। और जो हमारी दूसरी मांग है, जो हमारे जिले के अधिकारी सेमो साहब हैं, वो धमकी दे रहे थे कि सारी आशा बहनों को हम निकाल देंगे जो हमारी आशा बहनें धरने पर बैठी हुई हैं। आज इस मांग को लेके हम मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पर आज पहुंचे हुए हैं, पूरी संख्या के साथ पहुंचे हुए हैं कि आज सेमो साहब को ये जवाब देना होगा कि आखिर किस कारण हमारी आशा बहनों को आप निकासित कर रहे हैं। अपनी बात आप वापस लीजिए। और सेमो साहब अपनी बात वापस लिए हैं कि हम उन बहनों को नहीं निकालने के लिए गए हैं जो बहनें काम कर रही हैं, जो बहनें काम नहीं कर रही हैं उन बहनों को हमने निकालने के लिए कहा था। सेमो साहब ने अपनी बात को पलट दिए, जैसे हमारी आशा बहनों की संख्या देखे कि हमारी आशा बहनें आक्रोश में आई हैं, तैसे अपनी बात को उन्होंने पलट दिया। लेकिन ठीक है, मैं इस बात को मानने के लिए तैयार हूँ कि अगर सेमो साहब सहमत हो गए तो ठीक है, जैसे हम कार्य कर रहे थे वैसे ही हम लोग कार्य करेंगे। आशा बहनों की जैसा आप सभी को विदित है कि पिछले एक महीने से वो आंदोलनरत हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से मिली, जिलाधिकारी से मिले, हमसे भी मिले। आज वो हमारे पास आई थी, एक सम्मानजनक तरीके का उनको सैलरी दी जाए, मानदेय दिया जाए। उन्होंने जैसा कि बताया, मेरे संज्ञान में नहीं है कि हरियाणा में आशाओं को 3,000 फिक्स अमाउंट मिलेगा, प्लस वो जो कार्य करेंगे उसका मानदेय मिलेगा। तो ये मांगे हमसे संबंधित नहीं है, जिलाधिकारी से संबंधित नहीं है, ये एक्चुअल में केंद्र सरकार की पॉलिसी है। आशाओं का चयन और आशाओं की जो प्रक्रिया शुरू हुई थी रखने की और काम कराने की, तो केंद्र सरकार ही इस पर कुछ निर्णय ले सकती है।